cover. हे गाइस, गुड इवनिंग। आप सब लोग कैसे आए? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी नई रेसिपी है, नई रेसिपी के साथ में आज हम मिलते हैं। हमारी नई रेसिपी है सीख कबाब। सीख कबाब की रेसिपी ये है। देखिए, ये मसाले हैं, सारे मसाले, चाट मसाला और गरम मसाला, मीट मसाला, छोले मसाले और हल्दी पाउडर और जीरा, हींग, बेसन, सोयाबीन की बरी और ये एक ब्रेड पैकेट और ये ऑनियन है, ऑनियन, हरी मिर्ची, हरी धनिया। तो आप सब लोग हमारी ये रेसिपी देखिएगा, खूब प्यार सपोर्ट दीजिएगा। तो बने रहिएगा कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में। अब ये हमारा पानी गर्म हो गया है, मैं इस पे सीख कबाब की ये सोयाबीन की बरी मैंने ज़्यादा नहीं ली है। तो देखिए गाइस, ये हमारी उबल चुकी है, मैं इनको बंद कर दे रही हूँ और मैं इनको थोड़ी देर के लिए सर, इसको फेवर को लिया ना तो हम इसको परमानेंट कर देंगे, बोल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मेरा सीख कबाब का रेडी हो गया है। मैं अब इसको ढक के रख दे रही हूँ। 10 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट कर रही हूँ। अब मैं सीख कबाब बनाने चल रही हूँ। मैं इस पे देखिए आप, मैं यह नई तरीके से आज आप लोगों को सिखाऊंगी कि सीख कबाब कैसे, अगर आपके पास सीख ना हो तो आप पेन से या पेंसिल से भी बना सकते हैं। देखिए आप ऐसे, पहले तो नया तरीका है इसको ऐसे करके, मैं कई स्टेप में आपको सीख कबाब बना के दिखाऊंगी। आप सब लोग ऐसे देखिएगा और ऐसे ही बनाइएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए इसको बहुत हल्के हाथ से ऐसे निकाल लेना और देखिए आप जितने बड़े चाहें उतने बड़े बना सकते हैं। मैं छोटा साइज दे रही हूँ तो मेरा एक ही बन गया। चलिए मैं दूसरा भी नए तरीके से बताऊंगी। इसको ऐसे ऐसे करते हुए, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इसको ऐसे रखना है और इस पेन को ऐसे घुसेर के ऐसे इसके अंदर से इसकी, आप इसको चाहें तो और लंबा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। मैं आप आगे का आकार थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं। सीख कबाब का आकार थोड़ा सा मोटा होता है और इसको हल्के से हाथों से ऐसे करके, और देखिए कितना अच्छा है। ये दो प्रकार के हैं तो मैं अब तीसरे का भी आपको दिखा रही हूँ कि सीख कबाब कई तरीके से बनाए जाते हैं। ये तो लंबे आकार में हो गए। अगर आपको सीख कबाब और भी खाना है तो हमारे पास देखिए ये भी एक सीख कबाब है। तो इसको ऐसे ऐसे करके, ये सीख कबाब गोला वाला है तो इसको भी ऐसे करके मैं इसको निकाल ले रही हूँ और इसको भी मैं ऐसे रख रही हूँ। देखिए हमारे फाइनल होने वाले हैं। अभी एक और बचा है तो मैं इसको फाइनल हो गए। अब मैं कढ़ाई चढ़ाऊंगी तलने के लिए। तो देखिए मैंने गैस पे अपना पैन चढ़ा दिया इस पे, तो मैं अब इस पे ऑयल डालूंगी इसको तलने के लिए। तक हीट हो रहा है, आप सब लोग कंटिन्यू रहिएगा हमारे साथ में। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, हाफ फ्राई भी कर सकते हैं। आप इसको कम तेल में भी सेक सकते हैं, बिल्कुल हल्के तेल में भी लगा सकते हैं। मैं इसमें इतना ऑयल डालूंगी कि पूरे डूबे नहीं। बस मैं इतना लगाऊंगी। एक टमाटर लगाओ, मिक्सी वाला छोटा वाला जार था।
बाहर निकालो छोटा वाला, कहाँ देखो यहाँ रखा है, इसे मैं इनको ऐसे पलटा रही हूँ और कितने अच्छे से अच्छे ये रेडी, कितने टेस्टी तैयार हो रहे हैं। तो देखिए आप सब लोग, देखिए हमारे कितने अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको निकालूँगी और जितने करारे चाहें आप इनको कितने करारे कर सकते हैं, आप टेस्टी देखिए। चलिए मैं एक आपको उठा के दिखा रही हूँ, बहुत देखिए हमारे जो बात के बचे हुए हैं, मैं तीन पीस जो मैंने दूसरे आकार में दिखाया था, तो मैं इसको ऐसे करके तीन पीस तीन लास्ट में डाले दे रही हूँ। इनको ही बहुत धीरे धीरे आके सीखना है। देखिए हमारा दूसरा स्टेप भी तैयार हो गया है और मैं इसको जितना आप फैंसी चाहें उतना कर सकते हो। देखिए मैं तो बहुत इसको कायदे से धीरे धीरे आँच से मैं पका रही हूँ, गैस की फ्लेम इसको बंद कर रही हूँ और मैं इसको एक एक करके इसको भी यदि गाइस देखिए, यदि मेरा सीख कबाब अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग भी ऐसे बनाइए और खाइए और खिलाइए, बहुत गजब का, बिल्कुल बहुत नई तरीके से और जल्दी झटपट बनने वाला नाश्ता है, 10 से 15 मिनट में बन जाता है। बच्चों को खूब खिलाइए, बाहर मार्क से अच्छा है।